नमस्कार, मैं दृष्टांत द्विवेदी, कक्षा 10वीं F का छात्र, आज आप सबके समक्ष तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का एक अंश लक्ष्मण परशुराम संवाद पर एकल अभिनय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। किसने ये शिव धनुष तोड़ा? जिसने भी एक साहस किया है वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र और यहाँ उपस्थित सभी राजाओं, इस पूरी सभा को मैं सावधान करता हूँ, जहां कहीं भी वो अपराधी छुपा है हमारे सामने आ जाए, अन्यथा हम उस शिवद्रोही को मृत्युदंड देंगे। एक धनुष टूट गया तो इसके अंदर इतना क्रोध होने वाली क्या बात है? हमने तो ना जाने बचपन में खेल खेल में कितने धनुष तोड़ डाले, तब तो कोई क्रोधित नहीं हुआ। राजा के छोकरे, तेरे कोष में बात कर, विश्व भर में सम्मानित शिव धनुष को तूने बच्चों की धनुर्यो के समान समझ रखा है। ये वही शिव धनुष है जिससे शंकर ने त्रिपुराई का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आप धनुष और धनुष में फर्क करते होंगे, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है, हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। ढिटाई की भी हद होती है, लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है या नहीं, परंतु आपको इस पुराने धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, तभी तो इसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिलाने लगे। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनकी कोई दूर गलती नहीं। अब क्रोध त्याग भी दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने, लगता है तू अपनी माता को निपुती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आप पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। शक अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे बस एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता मैं क्षत्रिय कुलनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वो परशुराम हूं जिसने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बालक फूंक मारकर पर्वत को उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वो बातें नहीं करते हैं बल्कि वार करते हैं। ये कायरों की निशानी है कि वार करने की जगह, युद्ध करने की जगह वो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बखारने लगते हैं।